हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सब आपके भाई हाजिर रहनी वैकेंसी के साथ जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया पीएसयू की कैटेगरी में एक कंपनी आता है और बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पे ये रहने वाली है तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला और कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप मत करिएगा स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यहां पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पे अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया एलिजिबल यहां पे आपका रहने वाला है सैलरी बहुत बढ़िया रहेगा आपका जो सैलरी रहेगा वो आपका सैलरी रहेगा नब्बे हजार रुपए प्लस आपको एचआरए टी डी और भी बहुत सारी चीज आपको फैसिलिटी मिलेगी ठीक है यहाँ पे जो आपका वैकेंसी रहने वाला है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका वैकेंसी रहने वाला है पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइव ईयर तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है पांच साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है आपके परफॉर्मेंस के बेस पे निर्भर करता है ठीक है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है अप्लाई जरूर करना क्या फीस रहेगा पूरी बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है उसका भी हम बात करेंगे ठीक है इसी वीडियो में मैं आपको लास्ट में पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूंगा तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप या लिंक ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैं वहां पे उन जॉब्स का अपडेट देता रहता हूं जो कि अक्सर यूट्यूब से छूट जाती है और आप सभी को यार यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है तो आप अदर प्लेटफॉर्म जरूर से ज्वाइन करके रखें जैसे कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ध्यान रखिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बच्चा एक ही ग्रुप को ज्वाइन करिएगा एक से ज्यादा ग्रुप को ज्वाइन मत करिएगा क्योंकि दूसरे बच्चे एंटर नहीं हो पाते आप सारे ग्रुप को फिल कर देते हो ठीक है आप लिंकड ज्वाइन कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और भी बहुत सारे डिटेल के अंदर मैंने लिंक दे रखे हैं उस पर चेकआउट कर लेना तो अगर आपने हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है कैरियर है सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक और जरूर से चेकआउट करना अगर कंटेंट पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो घंटी वाला कैन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है पीडीएफ का लिंक और अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक बार जरूर से चेक आउट कर लेना अप्लाई करने का प्रोसेस भी देखेंगे तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी निकाला गया वो निकाला गया एन टीपीसी लिमिटेड की तरफ से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकाला गया पीएसयू की कैटेगरी में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस यहाँ पे आपका रहने वाला है तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है कितने एक सौ तीस का यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं दो तक ये कंप्लीट हो

क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर आपने बी बी टेक किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से तो वो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे सिक्सटी परसेंट आपके यहाँ पे होने चाहिए ठीक है बात कर लेते हैं यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस मांगा यहाँ पे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा ओनली फॉर टू ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया मिनिमम दो साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अंदर आपके पास दो साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई का पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम देखने वाले हैं ठीक है कंपनी का पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है अगली बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रखी है वो आपकी आ रखी है एग्जीक्यूटिव वैकेंसी है ऑपरेशन पावर ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे आपका वैकेंसी निकाला गया है नंबर ऑफ वैकेंसी चार दे रखा है अप टू थ्री ईयर तक तीन साल तक आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चलेगा फर्दर अगर आप बढ़िया काम करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है अगर आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे बीबीटेक मांगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर साठ आपके यहाँ पे होनी चाहिए बीबीटेक के अंदर तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तीन साल का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सारी फील्ड के अंदर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगला जो वैकेंसी आ रखा है वो आप आ रखा है एग्जीक्यूटिव का बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है पावर ट्रेडिंग आपका यहां पे डिपार्टमेंट रहने वाला है नंबर वैकेंसी एक रहेगा तीन साल तक यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा फर्दर आप बढ़िया काम करते तो एक्सटेंड हो सकता है बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के बारे में तो तीन साल के यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया पावर ऑपरेशन के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर इन पावर ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीजें आपके यहाँ पे रहने वाली है एज लिमिट क्या रहेगा जो एज लिमिट आपका रहेगा तो पैंतीस साल आपका एज लिमिट रहने वाला है फॉर ए जनरल कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन जरूर दिया जाएगा बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में तो आपका मंथली सैलरी आपका नब्बे हजार रुपए रहेगा प्लस टी डी ए वो आपका अलग रहेगा ठीक है अकोमोडेशन एचआरए सब कुछ यहाँ पे आपको अलग मिलने वाला है मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी बहुत सारी चीजें आपको दी जाएगी ठीक है यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फिफ्टी फाइव यहाँ पे आपका रहने वाला है ठीक है बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में तो यहां पे जो आपका देख सकते हैं कि आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाएगा जो इनका एनटीपीसी यू का हॉस्पिटल रहता है वहाँ पर आप आपका मेडिकल चेकअप होगा जनरल कंडीशन के अंदर देख लेते हैं आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए यहाँ पे रिलेक्सेशन आपके अकॉर्डिंग दिया जाएगा जैसे कि गॉर्म नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है आईसीएसटी कैटेगरी को पाँच साल का दिया जाता है और ओबीसी कैटेगरी को तीन साल का रिलेक्सेशन दिया जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और मिनिमम uh, आप देख सकते हैं इस डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज होना चाहिए ठीक है आपको अप्लाई लिंक कैसे करना है अप्लाई कैसे करना उसके बारे में बता दे तो अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे फीस रखा गया है पेमेंट फीस उसमें आपको तीन सौ रुपए पे करना पड़ेगा ठीक है ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यू एस और फॉर ए जनरल कैंडिडेट और जो एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एक रुपये भी पे नहीं करना उनके लिए यहाँ पे फॉर्म फ्री का रखा गया है उनको यहाँ पे पे नहीं करना पेमेंट कैसे करना आप यहाँ पे ऑफलाइन मोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं ये अकाउंट नंबर दे रखे आप ऑनलाइन मोड के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रुपए से पे कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके लास्ट डेट की जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है उसका लास्ट डेट रहेगा आठ चार आठ अप्रैल दो हजार बाईस इसका लास्ट डेट रहने वाला है और जिसको फॉर्म स्टार्ट हो चुका है वो पच्चीस मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है अब बात कर लेते हैं अपने को अप्लाई कैसे करें उसके बारे में देखिए अप्लाई लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको डायरेक्टली वहां पे क्लिक करना है जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब के अंदर आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ टैब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने का एक और ऑप्शन दे रखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर पाएंगे तो यहाँ पे बात कर लेते हैं और नीचे एक ऑप्शन दे रखा है कि आपका जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस आपका पेमेंट हो चुका है नहीं हो चुका है आपको पता चल जाएगा यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्लिक हेयर टू अप्लाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फर्दर न्यू टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसा कुछ टैब ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है उसको सिलेक्ट कर लेना आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन पावर ट्रेडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट पावर ट्रेडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं uh, है, आप अपने अर्डिंगली यहाँ पे देख लेना देन फिर आप सबमिट करेंगे देन फिर आपका फर्दर प्रोसेस हो जाएगा नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें पूछी जाएगी आप वहां पे सबमिट करके आपको पेमेंट कर देना है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस आपका यहाँ पे रहने वाला है ठीक है अगर आपको कुछ डाउट होता है कुछ पूछना होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका भाई आपका इंस्टेंट रिप्लाई कर देगा तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है एंड कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए मिला सके इन व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक इन फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आप डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद